हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा और उसके बाद उस परीक्षा में लगे आरोपों की। मध्य प्रदेश में इन दिनों सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पटवारी भर्ती परीक्षा की ही चर्चा है। एमपी में 15,02,000 नौकरी लो सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, लेकिन क्या वाकई में एमपी में 15,00,000 देकर सरकारी नौकरी मिल जाती है? क्या वाकई में मेहनत करने वालों के आगे रुपयों का रोब रखने वाले जीत जाते हैं? इसका खुलासा द सूत्र ने जुलाई 2023 में ही कर दिया था, जब हमने परीक्षाओं में पैसे लेकर सिलेक्शन करवाने वाली गैंग का खुलासा किया था। हमारे उस खुलासे के बाद भी आज तक नहीं वो शख्स पकड़ा गया और न ही अभी हाल ही में जो पटवारी भर्ती की जांच हुई उस जांच रिपोर्ट में उसका कहीं जिक्र है। ऐसे में कई दलाल अब भी सक्रिय हैं, वे खुलेआम कह रहे हैं कोई भी प्रदर्शन कर लीजिए, कुछ नहीं बदलेगा। हमने जो आज से 7-8 महीने पहले दिखाया था वो शायद सच होता दिखाई दे रहा है। उम्मीदवार पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप लगा रहे हैं और सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आज हम आपके लिए उसी खबर को फिर एक बार लेकर आए हैं, जिससे आप ये भी जान सकें कि कैसे ये गैंग आज भी काम कर रही है और मेहनत करने वाले युवाओं के सपनों को कुचल कर रुपयों के दम पर सरकारी नौकरी धन्ना सेठों के बच्चों तक पहुंच रही है। देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये रिपोर्ट और खुद तय कीजिए कि छात्र सड़कों पर न उतरें तो आखिर क्या करें। अभी तक तो सबको यही लगता आया था कि ग्वालियर के जिस NRI कॉलेज से पटवारी भर्ती परीक्षा का पूरा विवाद खड़ा हुआ, उस कॉलेज से 10 में से 60 टॉपर ही निकले हैं। लेकिन अगर आपको भी ये लगता है तो आप गलत हैं। इस कॉलेज से टॉप 20 में से 13 टॉपर निकले और टॉप 50 में से 19 टॉपर इसी परीक्षा सेंटर से थे। लेकिन अब एक और सवाल जो इन दिनों पटवारी भर्ती परीक्षा देने वाले छात्रों के मन में है कि क्या 15-15 लाख रुपए देकर मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी मिल जाती है, और 15 लाख देकर क्या मध्य प्रदेश में पटवारी बना जा सकता है? वाकई ये सच है या महज झूठ? इसका खुलासा द सूत्र ने 7 महीने पहले ही कर दिया था, जब द सूत्र ने एक उम्मीदवार बनकर एक दलाल से बात की और उस दलाल ने जो खुलासे किए उसे सुनकर हम भी हैरान थे। लेकिन उसके बाद भी आज तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर उस दलाल ने कौन कौन से खुलासे किए थे, आप एक बार और सुनिए। ध्यान रखो बस, हमें बस सिलेक्शन हो जाए, अंदर हो जाए, बस बात खत्म। देखो अभी जो मीडिया में चल रहा हूँ, एक बात बताऊँ, आप सुनना, ना इस पटवारी कुछ होना है, ज्ञापन दिया, क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं होना है, सरकार के पास राजस्व है नहीं। तो सुना आपने, आप कितना भी सड़कों पर उतर जाइए, कितना भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा लीजिए, इस दलाल के मुताबिक इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। अब हमने इस दलाल से परीक्षा में मिलने वाले सेंटर को लेकर बात की, तो सुनिए उस दलाल ने क्या कहा। ग्वालियर, अच्छा सेंटर को ग्वालियर मत देना भैया, ग्वालियर के सेंटर बड़े बदनाम है। वो क्या होता है, कुछ जिले ऐसे जहाँ पर कुछ होते हैं, जैसे आगर मालवा हो गया, सागर हो गया, है ना, ग्वालियर हो गया, भोपाल हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं होता, इसलिए वहाँ वो सेंटर वही दिए जाते हैं। आपको इंदौर नहीं दे सकते, इंदौर में होता है, इंदौर में नहीं दे सकते, कुछ उनके फिक्स है। वो आप ये सोचो कि मुझे यहाँ नहीं ये मिल जाए, वो कोई नहीं करेगा, मुझे ये नहीं ये दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको दिया जाएगा भाई जहाँ पर भी, भाई आगर मालवा, सागर, ग्वालियर, भोपाल, रीवा, जो सेंटर हैं, जहाँ सेटिंग चल रही है, वो तो सभी जगह है, है ना, पर क्या है कि जहाँ के भाई सारे के सारों को निकालना है बस। हाँ तो जिनको निकालना उनको एक सेंटर में भेज दो। यानी इस दलाल की पहुंच राजधानी भोपाल के परीक्षा सेंटरों तक भी है, तभी तो इसने इतने कॉन्फिडेंस से कह दिया कि इंदौर सेंटर मत मांगिए, भोपाल करवा देंगे। अब हम आपको जो आगे का वीडियो दिखाने वाले हैं, इस वीडियो में आप दलाल का नाम भी जानने वाले हैं, जो कि वो खुद बता रहा है। क्या नाम बताया आपने? स्वदीप जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए मान के चलो, मैंने आपको 15 लाख की व्यवस्था करके दे दी। 15 भी चाहिए नहीं मुझे। अच्छा 30%, फिर आपका जो मैं नंबर बता दूंगा, जो नंबर बताया अभी, फिर 30% रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, रिमेनिंग पेमेंट तब से, यानी 50% आपने अभी दिया, 50% आप सिलेक्शन के बाद दे रहे हो। तो देखो आपसे 15 पहले ले रहा हूँ, कोई 15 दो, मुझे डॉक्यूमेंट दिया, 30% दिया,
ठीक है ना, फाइल अंदर गई आपकी। अब आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम दिया आपने, आपके नंबर उतने आए है ना, अगर उसमें जा रहे हो तो आप अंदर हो, नहीं तो बाहर हो। अगर आप बोल रहे हो कि भैया मुझे इसमें जाना है तो कोई समस्या नहीं, जब आपको नंबर बताऊं तो बच्चे का पेमेंट का 30%। इस दलाल की ईमानदारी तो देखिए, 50% काम करने से पहले मांग रहा है और 50% तब जब उम्मीदवार का काम हो जाए। वाह, ईमानदारी हो तो ऐसी। अब सुनिए उस कॉलेज के नाम जहां जहां इन दलालों की सेटिंग है और जिन सेंटरों पर ये जुगाड़ लगाकर सिलेक्शन करवा देते हैं। जो ये सभी जो एनआरआई वाले जितने भी टॉप कर गए हैं, देखो सागर का कॉलेज था, ठीक है, भोपाल का टूबा था, सागर का ताराबाई करके नाम है ना, वो था, ग्वालियर का था, ठीक है ना, ऐसे एक और कोई था, सभी जगह पूरा का पूरा सेंटर सेटिंग का था। सागर भी सेटिंग, भोपाल भी सेटिंग, सागर भी, भोपाल भी, ग्वालियर भी, इनमें पूरे के पूरे सेंटर के बच्चों को पास किया गया, पूरा का पूरा, ये पूरा सेटिंग तो होने मतलब जितने भी जो भी अपनी वो करवाया। अच्छा, मतलब जैसे आप आज जो भी करवाया, जो भी अपने से बुक करवाया उसका हो जाएगा। देखो मैं कोई ऐसा नहीं कि भाई आपके बात को स्पष्ट कर दूं, मैं कोई एजेंट नहीं, कोई दलाल नहीं हूं, मैं खुद एक प्रशासनिक अधिकारी हूं, ठीक है ना। मतलब मैं एमपीपीएस इंटरव्यू दे चुका हूं, आपको बता दूं, इंटरव्यू से बाहर हूं, मैं ऑथर हूं, मेरा आप नाम सर्च करेंगे। खुद को ये शख्स प्रशासनिक अधिकारी बता रहा है, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। लेकिन अब सुनिए कि आखिर पटवारी की एक सीट कितने में बेची गई। राजस्व विभाग की भैया, वो होस्ट राजस्व विभाग की है, सामने गाड़ी में की 5,000 रुपए से। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा और सुना कि एक एक सीट की कीमत लाखों में थी और राजस्व विभाग की सीट तो 22 लाख तक में बेची गई। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए जब हमने 150 उम्मीदवारों के नंबर और उनके परीक्षा सेंटर के दस्तावेज खंगाले तो इसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक संजीव कुशवाहा के एनआरआई कॉलेज से टॉप 10 में भले ही 60 टॉपर्स निकले, लेकिन टॉप 20 में से इस सेंटर से 13 उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं 50 टॉपर्स लिस्ट में जहां से 18 उम्मीदवार शामिल थे, जबकि भोपाल के ट्रूबा कॉलेज से टॉप 30 में से 4 उम्मीदवार यहीं से सिलेक्ट हुए। यानी कहीं ना कहीं इस दलाल की बातों में सच्चाई नजर आती है, लेकिन जो सच्चाई हमें और दूसरों को दिखाई देती है, वही सच्चाई आखिर क्यों जांच कमेटी को दिखाई नहीं दी, और आखिर क्यों इस मामले पर सरकार अभी तक चुप्पी साधे बैठी है। देखा आपने कैसे खुलेआम पटवारी भर्ती के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, 10 लाख, 15 लाख और हाईएस्ट 20 से 22 लाख। इसके बाद ये आदमी खुद को प्रशासनिक अधिकारी भी बता रहा है और ऐसा भी दावा कर रहा है कि सेंटर भी मैं तय करूंगा, रिजल्ट भी मैं तय करूंगा, आप सिर्फ पैसे दे दीजिए, वो भी 50% पहले। दसूत्र इस बात को नहीं बोलता कि इसने कितने फीसदी रिजल्ट को प्रभावित किया होगा या जिन सेंटर्स के नाम ले रहा उनसे क्या है, लेकिन इस तरह की वसूली भी खतरनाक है और कुछ न कुछ तो चल ही रहा है, बिना इसके इस तरह की बात कोई कैसे करेगा। हमारे पास 2 दिन से चल रही खबरों के बाद कई ऐसे छात्रों के मैसेज भी आए जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई की और पटवारी परीक्षा में चयनित हुए, लेकिन अब जाँच के नाम पर उनके सपने भी दबाए जा रहे हैं। और वाकई में हमें भी यही लगता है कि इन सब में उन छात्रों की क्या गलती है जिन्होंने मेहनत करके इस परीक्षा को पास किया। जांच हो ना हो, नियुक्ति मिले ना मिले, ये तो बात की बात है, लेकिन जरा सोचिए उनका क्या होगा जो ईमानदार हैं, मेहनती हैं, उनको सिलेक्शन मिलता भी है तो यही बातें होंगी कि तुमने भी पैसे देकर सीट ली, और अगर सिलेक्शन नहीं मिलता तभी तो बातें उनको सुननी ही पड़ेगी। ऐसे में इन छात्रों का गुनाहगार कौन है, ये कौन तय करेगा।